इमरजेंसी में वापस जा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेन आ रही है, देखो फेंसिंग देखो ये खोला रखा है। वन मोर इंटरनेशनल जर्नी बिटवीन आसी दूरी पर दूसरी एक ट्रेन लगी हुई। ट्रेन नंबर 13130 बंधन एक्सप्रेस, जिसमें बंधन का मतलब होता है बॉन्डिंग, और ये एक इंटरनेशनल ट्रेन है जो कि बांग्लादेश के खुलना को इंडिया के कोलकाता से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 172 किलोमीटर कवर करती है 4 घंटे 40 मिनट के समय में 36 किलोमीटर की एवरेज स्पीड के साथ। और आज इस इंटरनेशनल ट्रेन में हम लोग जर्नी करने वाले हैं बांग्लादेश से इंडिया। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रेन लवर्स HY। डिपार्चर और 1:15 बजे अपनी बंधन एक्सप्रेस आ चुकी है बांग्लादेश के खुलना रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर ये देखो लोकोमोटिव आया है जो उसको यहाँ डिटेच किया जाएगा और आगे की साइड फिर कपल किया जाएगा। ये देखो यहाँ पर भाई कपलिंग खोली जा रही है। बांग्लादेश रेलवे में हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि पानी वगैरह जो है ना ऊपर की साइड से भरा जाता है। ये देखो ऊपर की साइड से ट्रेन में पानी भरा जा रहा है। ये अलग हो गया अपना लोकोमोटिव। अपनी बंधन एक्सप्रेस खुल्ला रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है। और ये जो बंधन एक्सप्रेस है ना, ये इंडियन रेड LHB कोच इसके साथ चलती है। इसमें दो क्लासेस मिलेंगी, जो फर्स्ट क्लास है फर्स्ट AC वो रेड कोच इसके साथ, और AC चेयर कार वो अपना ब्लू कोच इसके साथ, जो कि शताब्दी वाला कोच होता है इंडियन रेलवे में। और आज अपनी बंधन एक्सप्रेस में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं AC फर्स्ट क्लास में। और आज अपना कोच है H1। ये है आज अपना कोच H1 इस बंधन एक्सप्रेस में। और एक चीज़ अभी यहाँ पर पता चली, यहाँ पर इमिग्रेशन कस्टम वगैरह कुछ नहीं है। अगला जो हॉल्ट आएगा ना वहाँ पर ये सारी प्रोसेस होगा, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। हम लोग आए बस आराम से लगेज रखा, कोई टेंशन नहीं। चलो वहाँ के जो भी प्रोसेस होगा हम आपको बताते हैं। तो आज इस फर्स्ट AC H1 कोच में हमको दिया गया है केबिन, और केबिन में है सीट नंबर 5 मतलब मिडिल मतलब बैठने का। आपको बता ही चुके हैं बांग्लादेश रेलवेज में क्या होता है, फर्स्ट AC में दिन के टाइम बैठने का और रात में टाइम सोने का हिसाब किताब चलता है। तो अपने निर्धारित समय से करीब 12 मिनट की देरी से अपना डिपार्चर हुआ है खुलना रेलवे स्टेशन से। बस काफ़ी सारे लोग अपने परिवार के लोगों को यहाँ पर छोड़ने आए हुए थे। कुछ लोग चलेगा, कुछ लोग जा रहे हैं इंडिया, कुछ रह जाएंगे परिवार के लोग यहीं। तो अपने निर्धारित समय से करीब 13 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन निकल चुकी है खुलना रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें, तो हफ्ते में 2 दिन चलती है खुलना से कोलकाता के बीच, संडे एंड थर्सडे को। दोपहर में निकलती है 1:30 पे और शाम को 6:10 पे पहुंचा देती है कोलकाता। भाई दिस इज वन मोर इंटरनेशनल जर्नी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। फाइनली यार हम लोग जा रहे हैं अपने देश वापस इंडिया। यार मजा आने वाला है, मतलब अब बस ये लग रहा है फटाफट इंडिया पहुंच जाए, क्योंकि तबीयत वगैरह ठीक नहीं चल रही है ना। क्या करें, जब से बांग्लादेश में आए तब से तबीयत खराब है। तो अब तो बस यही लग रहा है फटाक से बस पहुंच जाए अपने देश अपने घर वापस। हाँ भैया, दादा कितने का बिरयानी? 170 रुपये। अच्छा 70, अच्छा तो इसमें अपन इंडियन रुपीस में ही पे कर सकते हैं? अच्छा तो भाई ये एक इंटरनेशनल ट्रेन है ना, तो जैसे इसमें आप इंडियन करेंसी में ही पे कर सकते हो और बांग्लादेशी करेंसी में भी। चलो ओके दादा,
थैंक यू। वैसे इस ट्रेन में जो चिकन बिरयानी मिल रही है वो वैसा ही है जैसे मैत्री एक्सप्रेस में हमने आपको दिखाई थी, ज़्यादा कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो हमने वो नहीं लिए क्योंकि बिल्कुल हमारी तो इच्छा नहीं है यार, यहाँ पे जब से आए ना बांग्लादेश में तब से तबीयत खराब चल रही है, कुछ भी इस तरह का खाने का मन नहीं हुआ। वेज में यहाँ पर मिल गए थे हमको समोसे, वो काफ़ी टेस्टी भी थे, तो हमने पैक भी करा लिए थे, खाई भी थी खुलना वही स्टेशन के पास से। तो हम जाए थे राइए, हमने चलो यही खाएंगे, अभी हल्के हल्के गर्म भी है अंदर, एकदम बढ़िया आलू एकदम सादा सिंपल भरा हुआ है और साथ में छोले भी है इसमें, अच्छा टेस्ट है। वैसे इसके साथ चटनी भी थी लेकिन अब चटनी का नहीं, यहाँ कहाँ निकालेंगे। और वैसे भी ट्रेन ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है यहाँ पे, क्योंकि ट्रैक जो है ना बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार हालत के हैं, इसलिए यहाँ पे ट्रेन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। अभी अपनी इंटरनेशनल ट्रेन बंधन एक्सप्रेस के ही आ चुके हैं हम लोग अपने पहले स्टॉप पे जैसोर जंक्शन, जो कि जैसोर सिटी का काफ़ी मेन रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन को ओपन किया गया था इन ईयर 1882 और यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। और बात करें इस रेलवे स्टेशन की लोकेशन की तो बांग्लादेश के खुलना डिवीजन में ये रेलवे स्टेशन पड़ता है और अपनी बंधन एक्सप्रेस का यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। वैसे पहले अपनी बंधन एक्सप्रेस का ऐसा कोई भी हॉल्ट नहीं होता था, लेकिन क्या हुआ ना कि पैसेंजर्स कम मिलते थे इस ट्रेन को, तो भाई इसीलिए इस ट्रेन के स्टॉप्स बढ़ाए गए ताकि और पैसेंजर्स इस ट्रेन को बोर्ड कर सकें। चलो भाई सिग्नल हो गया, चलते हैं ट्रेन के अंदर। ये देखो भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है, हम लोगों की इंडियन रेलवेज की ट्रेन बांग्लादेश में चल रही है, वाह भाई वाह। भाई अभी ऐसे ही लेटे हुए हैं क्योंकि क्या हुआ है इस कोच में भी काफ़ी ज़्यादा एसी कूलिंग हो रही है, कोच अटेंडेंट को बोला कि थोड़ी कूलिंग कम कर दो, पता नहीं कहाँ चले गए, आए नहीं दोबारा, ना कूलिंग कम करी, हमको लग रही है सर्दी क्योंकि तबीयत खराब है यार। पिछले ब्लॉग में भी हमने आपको बताया था दवाई वगैरह खा के ऐसे ही चल रहे हैं, जब से बांग्लादेश में आए तब से तबीयत खराब चल रही, खाना पीना भी ढंग का यहाँ नहीं मिला, इसीलिए बस ऐसे लेते हुए भाई सर्दी लग रही है बहुत तगड़ी, फीवर चढ़ रहा है और इसी वजह से फटाफट में भाई हम लोगों को जल्दी जल्दी में वापस जाना पड़ रहा है इंडिया, ये समझ लो बिल्कुल इमरजेंसी में वापस जा रहे हैं। आज ही टिकट लिया है इसका बंधन एक्सप्रेस का, फटाफट हम इंडिया एमरजेंसी में वापस जा रहे हैं क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब है, वॉमिटिंग हो रही है, बुखार, पूरा बॉडी पेन भयंकर, ये समझ लो दवाई खा रहे हैं तब जाके थोड़ा बहुत वीडियो इतना बना पा रहे हैं, नहीं तो कोई पॉसिबल नहीं था, इसलिए बस अभी ऐसे लेटे हुए हैं। देखते हैं थोड़ी देर में कुछ कॉफ़ी वगैरह आएगा, कॉफ़ी वगैरह पिएंगे। तो ये आ चुके हैं अभी हम लोग अपनी बंधन एक्सप्रेस के सेकंड स्टॉप पे बेनापोल रेलवे स्टेशन, जो कि बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर का लास्ट रेलवे स्टेशन है बांग्लादेश की साइड में, है ना। और ये जो रेलवे स्टेशन है ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है गुड्स ट्रेन के लिए, और वैसे अभी तक अपनी ट्रेन का भाई अपन जो भी पैसेंजर्स आए हैं ना किसी का भी इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसी रेलवे स्टेशन पे अभी इमिग्रेशन प्रोसेस होगा, इमिग्रेशन कस्टम सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है, पासपोर्ट वीज़ा और इस ट्रेन का वैलिड टिकट, वो सारी चीज़ें यहीं पर चेक होंगी। और पैसेंजर्स को हम देख रहे हैं तो पैसेंजर्स क्या कर रहे हैं, सब अपना लगेज लेके जा रहे हैं आगे की साइड रेलवे स्टेशन पे, तो हमें भी लगता है भाई हमें भी जाना होगा आगे लगेज लेके, चलो जाते हैं देखते हैं भाई क्या प्रोसेस है क्या नहीं है, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो अभी भाई प्रोसेस के बारे में पता लगा वही है, अपना लगेज लेके जाना है आगे की साइड और फिर सारा जो है कस्टम इमिग्रेशन कराना है, और पैसेंजर्स भी अपना देखो लगेज वगैरह लेके जा रहे हैं और हम लोग भी चलते हैं। चलो पूरा जो है इमिग्रेशन और कस्टम के लिए यहाँ लोग लगे हुए हैं लाइन में और बस वही प्रोसेस है, चलो हम लोग भी चलते हैं आगे साइड लाइन में लगेंगे, भीड़ तो काफ़ी हो गई है बट क्या करें पूरा प्रोसेस तो करना ही है ना, ये देखो बहुत लंबी लाइन हो गई भाई, काफ़ी लंबी लाइन हो गई, यहाँ से आगे फिर आगे से घूम के आएगी लाइन। और इमिग्रेशन और कस्टम तो यहाँ पर पैसेंजर्स का होगा ही और साथ में यहाँ पर लोकोमोटिव भी चेंज होता है, अभी लगा हुआ था इसमें बांग्लादेश का लोकोमोटिव, अब लग रहा है अपना इंडिया का लोकोमोटिव, देखो आ रहा है ना
बांग्लादेश वाला निकल चुका है, अब इंडिया वाला लोकोमोटिव आ रहा है और दूर से देखने में लग रहा है WDM-3A लोकोमोटिव लग रहा है। ये जो लाइन है ना, ये सीधी लाइन जा रही है, आगे होगा सबसे पहले कस्टम, फिर अंदर ही अंदर घूम के आएंगे और ये रहा इमिग्रेशन, मेनापोल इमिग्रेशन पुलिस, तो यहाँ पर होगा फिर इमिग्रेशन, उसके बाद हमको लगता है इसी गेट से हम लोगों को बाहर कर दिया जाएगा और वापस आके फिर ट्रेन बोर्ड की जाएगी। तो अपनी बंधन एक्सप्रेस मेनापोल आ गई थी करीब 4 बजे और अभी बज रहा है शाम का 5:10, मतलब लगभग 1 घंटे 10 मिनट में अपना इमिग्रेशन वगैरह हो गया। वैसे इनने लगेज वगैरह कुछ चेक ही नहीं किया, बस अपना ये पासपोर्ट चेक किया और एक चीज़ और मैंडेटरी था जो पासपोर्ट के साथ में, वो था वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, तो वो चेक किया, उसके मतलब फोटो कॉपी थी तो वो हमने अपने पास ही रख ली, बस ये था भाई और कुछ ज़्यादा था ही नहीं यहाँ पर, ना कुछ पूछा ना कुछ, आराम से बस आ गए। और पता है लगेज वगैरह कुछ चेक ही नहीं किया, ऐसा सिस्टम है इनका, पता नहीं कैसा, मतलब इतनी दूर से लगेज ले गए, ट्रेन का आखिरी कोच है हम लोगों का, ठीक है, यहाँ से लगेज ले गए भाई, तबीयत ख़राब है हमारी सही में, बिल्कुल खिंच नहीं रहा था हमसे बैग, ऐसे में हम लगेज लेके गए इतना सारा, उसके बाद वहाँ लगे रहे लाइन में, घूमते रहे, फिर अंदर से आए, फिर वापस आए और लगेज इनने कुछ चेक ही नहीं किया कि मशीन में स्कैनर में डाला हो, कुछ किया हो, कुछ नहीं किया, मेहनत बर्बाद, क्या करें, हालत ख़राब हो गई। अभी तक जितनी जर्नी करके आए थे वो एक तरफ इस ट्रेन की, और ये जो इमिग्रेशन के चक्कर काटे ये एक तरफ, तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, मुश्किल से 1-2 घंटे में आप आराम से फ्री हो जाओगे और जल्दी फ्री हो जाओगे, तो क्या हम लोगों को थोड़ा पीछे को था तो थोड़ा वीडियो बनाने लगे तो इसलिए थोड़ा समय लग गया, नहीं तो और पहले ही फ्री हो जाते। चलो देखते हैं थोड़ी देर में बस होने वाला है अपना डिपार्चर यहाँ से। ये खड़ी हुई है अपनी बंधन एक्सप्रेस और इसी सेम लाइन पर ये देखो 50 ही दूरी पर दूसरी एक ट्रेन लगी हुई है बांग्लादेश रेलवे की, और सिस्टम क्या है कि अपनी ट्रेन जब जाएगी ना तो उसके बाद ये ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म पर और तब इसका लोको रिवर्स होगा, तब ये जाएगी वापस, क्योंकि इस साइड तो है भाई बॉर्डर जहाँ अभी हम लोग निकलेंगे, ये इस साइड है बॉर्डर, तो इधर तो जा नहीं सकती ये ट्रेन, इसलिए यहाँ से लोको रिवर्सल करके वापस चली जाएगी। तो करीब 1 घंटे 30 मिनट रुकने के बाद अपना डिपार्चर हो चुका है मेनापोल रेलवे स्टेशन से। भाई इस रेलवे स्टेशन पे आप देखो तो ये देखो कुछ लोग ऐसे ही घूम रहे हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है, और फेंसिंग वगैरह भी इनकी ऐसी ही है, यहाँ पर कुछ खास फेंसिंग वगैरह कोई तरीके का काम ही नहीं, देखो इतने सारे पैसेंजर भाई, जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेन आ रही है देखो फेंसिंग देखो ये खोला रखा है पूरा, यहाँ से ऐसी फेंसिंग होगी तो फिर कोई भी पैसेंजर आराम से आ सकता है ना, तो ये हाल है भाई, लोग आराम से घूम रहे हैं फिर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेन आ रही है लेकिन उस चीज़ का कोई असर नहीं है यहाँ पे, सब बराबर है। और ये वो लोकोमोटिव खड़ा है जो अभी तक अपनी ट्रेन में लगा हुआ था, अब तो खैर अपना इंडियन लोकोमोटिव लग गया है। तो बेनापोल रेलवे स्टेशन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है, अब हम लोग बस एंटर करने वाले हैं इंडिया में, और जो बॉर्डर पड़ेगा ना अभी बीच में वो हम आपको दिखाते हैं जब ट्रेन क्रॉस करेगी ना, तो वो चीज़ 0 पॉइंट करके है, बेनापोल 0 पॉइंट क्रॉसिंग ऐसा करके नाम रखा गया है, चलो दिखाते हैं। तो ये हम लोग अब एंटर हो चुके हैं, वेलकम टू इंडिया, इंडिया में हम लोग आ चुके हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वेलकम टू इंडिया। वहां पर ये देखो भाई गेट लगा दिया गया है, जैसी ट्रेन इस साइड आई ना पीछे का गेट लगा दिया गया है, और जो भी BSF वगैरह हैं अब लगता है वो यहाँ से अपनी ट्रेन में चढ़ेंगे, और देखो ट्रेन वगैरह को चेक कर रहे हैं। तो ये देखो भाई ये था बॉर्डर, यहाँ से ट्रक वगैरह क्रॉस होते हैं, 0 पॉइंट है ना ये बॉर्डर का इंडिया बांग्लादेश का, तो ट्रक्स वगैरह यहाँ पर जो भी है चेकअप चेक वगैरह होता है इनका भी, कस्टम वस्टम जो भी होता होगा प्रोसेस, उसके बाद ये जाते हैं बांग्लादेश इसी रोड से। सो फाइनली बॉर्डर हो गया है क्रॉस, और हमने आपको दिखाया था ना भाई कितने आराम से लोग बाहर घूम रहे हैं, जहाँ इमिग्रेशन होता है, जहाँ इंटरनेशनल ट्रेन क्रॉस हो रही है, बॉर्डर है, वहाँ लोग बढ़िया आराम से घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, लगेज वगैरह कुछ चेक नहीं हुआ वहाँ पर, ये समझ लो लगेज हम ले गए इतनी आगे से, मतलब पीछे को कोसता वहाँ ले गए, कोई चेकिंग वगैरह लगेज की कुछ नहीं हुई, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस किया ट्रेन रुकी और अपने जो इंडिया के BSF वाले जवान थे सब आए, बढ़िया काफ़ी ज़्यादा थे तो वहाँ पीछे से चढ़ना शुरू किया, सारे कोचेज में चढ़े, उसके बाद ट्रेन के नीचे भी चेक किया कि हाँ कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, नीचे भी ट्रेन के नीचे भी झाँक झाँक के कुछ चेक कर रहे थे, उसके कोच में आए सब कुछ अच्छे से चेक किया, जब अच्छे से सब चेक हो गया तब ट्रेन अपनी चली है। तो भाई इंडिया की सिक्योरिटी इंडिया की ही है, बांग्लादेश वालों की तो देख ली यार, मतलब लगेज तक उनने चेक नहीं किया, क्या ले जा रहे क्या ले जा रहे, कोई मतलब नहीं उनको, ले जाओ जो ले जाना है,
फालतू में मतलब मांग रहे हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। भाई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का क्या करोगे, कोई इंसान कुछ भी ले जा रहा है बॉर्डर से, कोई टेंशन नहीं है, बस तुम्हें चाहिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ऐसी सिक्योरिटी है भाई। तो ये देखो भाई अपने इंडिया के रेलवे स्टेशन क्या स्पीड में स्किप कर रही है मस्त ट्रेन, देखकर मजा आ रहा है यार। तो इंडिया में एंटर होने के बाद अपनी ट्रेन ने काफी अच्छी स्पीड मेंटेन कर ली है और यार यहाँ पे काफी स्मूथनेस फील हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश में थे अभी इससे पहले, तो वहाँ के ट्रैक्स की हालत थोड़ी सही नहीं है, तो वहाँ काफी ज्यादा वाइब्रेट होती है, मतलब 30-35 की स्पीड में भी ट्रेन ज्यादा वाइब्रेट होती है, और यहाँ तो भाई जानते ही हो मक्खन ट्रेन चलती है 80-90 कोई फर्क नहीं, 100-130, तो बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर। अभी जो स्टेशन स्किप किया है देख के मजा आ गया, 3-4 दिन से लगातार बांग्लादेश में थे, बांग्लादेश रेलवे देख रहे थे, लेकिन यहाँ जैसा मज़ा तो नहीं है भाई, स्पीड वगैरह अपने यहाँ की सही है। और अभी एक और चीज़ थी यार कि 4-5 दिन हम लोग बांग्लादेश रह के आए हैं, लेकिन दोबारा अब जाने की इच्छा नहीं है, एक तमन्ना थी बांग्लादेश की वो भी हो गई ख़त्म अब, और ना किसी को सजेस्ट करेंगे, क्योंकि यार अगर जैसे हम हैं भाई तो हम वेजिटेरियन हैं, ठीक है, वहाँ पे अंडा वगैरह खाने की भी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ मिलती है ना नॉन वेज में, और सिर्फ नॉन वेज मिलता है वहाँ, हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डाउनलोड करी तो वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी सिर्फ नॉन वेज मिल रहा है, तो खाना पीना वहाँ तो वेजिटेरियन के लिए बहुत दिक्कत है, दोबारा तो हम जाएंगे नहीं यार, अब बस हो गया बांग्लादेश स्वाहा खत्म, अब नहीं जाएंगे। चाय कौन सा वाला है, डिप वाला है क्या? डिप ना ना, तो फिर कॉफी दे दो, स्ट्रांग बनाना बढ़िया है, वो नहीं है बाग बकरी बाग, तो यहाँ कोई लेगा नहीं, तो इंडिया में एंट्री के बाद अपना IRCTC वापस, और IRCTC की कॉफी भी वापस, और ये IRCTC का स्टाफ भी वापस। चलो ये रही अपनी 150 ml कॉफी, तो बता रहे थे वैसे 10 रुपए की कॉफी इंडियन रुपीज में, और बांग्लादेशी टका में 15 टका, ठीक है भाई सही है, पीते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग बढ़िया कॉफी। देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन, उससे पहले हम आपको दिखाते हैं वॉशरूम की कंडीशन कैसी है, तो यहाँ तो कोई बेसिन वगैरह है नहीं है, अब चलते हैं अंदर। ये देखो भाई साइड तो इतना गंदा है, साइड भी स्मेल बहुत तगड़ी आ रही है, दिखाने लायक नहीं है, एकदम गंदगी छी। वहां की बांग्लादेश की फेंसिंग हमने आपको दिखाई थी किस तरीके की थी, और ये देखो इंडिया की फेंसिंग भाई एकदम ऊपर तक, कोई नहीं आ सकता, ये है, और उधर से गेट वेट लगा दिया गया है, और ट्रेन यहाँ खड़ी है इसके उस साइड भी पूरा फेंसिंग है, ये है भाई फेंसिंग और सिक्योरिटी इंडिया की। अपने निर्धारित समय से 55 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन बंधन एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन कोलकाता, एंड फाइनली इंडिया। भाई बड़ा अच्छा लग रहा है इंडिया वापस आके यार, सही में मतलब वहाँ पर यार तबीयत भी ख़राब, अभी भी तबीयत ख़राब है यार, वो तो बात है ही है, लेकिन खाना पीना हर चीज़ के लिए बड़े परेशान हो गए थे, अब इंडिया आके भाई बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मज़ा आ गया है। तो बाकी इस ट्रेन में सिक्योरिटी तो बहुत तगड़ी है, अभी अराइवल के टाइम भी हम लोगों को गेट वगैरह नहीं खोलने दिया, सही चीज़ है वैसे ये, और उस साइड तो कोई पूछ ही नहीं रहा था जब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ, ना कोई टिकट चेक करा ना कुछ ना कुछ, अब बस यहाँ से निकलेंगे कुछ नहीं होगा, इमिग्रेशन वगैरह होगा थोड़ा, हम लोगों के डॉक्यूमेंट वही पासपोर्ट वीज़ा ये सब चेक किया जाएगा, उसके बाद निकल जाएंगे। तो चलो आपको कैसी लगी है ये बंधन एक्सप्रेस की जर्नी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो, और ये पूरा बांग्लादेश का टूर कैसा लगा है आपको ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ट्रेन लवर्स से हमारी इंस्टाग्राम आईडी देखो यहाँ मेंशन हो रही है, वहीं फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे अपडेट्स रील वगैरह हम सब पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी में एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो ये कुछ बांग्लादेशी करेंसी मतलब टका बचा हुआ था, तो हमने सोचा यार अब इसका तो कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर इसको कर देते हैं एक्सचेंज, अपना इंडियन करेंसी ले लेते हैं, और ये काउंटर आपको कोलकाता रेलवे स्टेशन पर ही मिल जाएगा, तो यहाँ से आप एक्सचेंज करा सकते हो। तो करीब 1.5 घंटा लग गया हम लोगों को बाहर आने में इमिग्रेशन प्रोसेस के बाद, और फाइनली ये आ चुके हम लोग कोलकाता, अपने इंडिया सारे जहाँ से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा। वाह भाई वाह, तिरंगा देख के मजा आ गया।